I am starting my lectures. Good morning, all of you students. We are discussing about electric charge. Electric charge कैसे produce होता है, different methods, atomic structure को लेकर, electron transfer, electron को कैसे आप lose करते हो, gain करते हो, और कोई भी body है वो चार्ज एक्वायर कर लेते हैं, यू नो वेरी वेल. बट नाउ दिस इज द टाइम फॉर स्टडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. तो आज आप इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे. प्रॉपर्टीज, एक एक प्रॉपर्टीज को ध्यान से समझना. जरूरी नहीं है क्वेश्चन आपसे एग्जाम में प्रॉपर्टी को लेकर पूछा जाए कि कोई भी एक प्रॉपर्टी लिख दीजिए या दो, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं. और किस टाइप से बनाए जा सकते हैं वो आपके सामने अभी आ जाएंगे. फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या करना है आपको, यू नो लाइक चार्जेस आर ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर. तो आप इसको शॉर्ट में याद रखना कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, आपस में रिपेल करते हैं. एंड अनलाइक चार्जेस आर ऑलवेज अट्रैक्ट टू इच अदर. और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं. तो लाइक चार्जेस आर ऑलवेज रिपेल टू इच अदर, अनलाइक चार्जेस आर ऑलवेज अट्रैक्ट टू इच अदर. नेक्स्ट क्लास कैंसिल करवा मेरी. एक बार रोहित सर के पास चले जाओ, रोहित सर के पास चले जाओ और प्रिंसिपल मैडम से कह के क्लास कैंसिल कराओ मेरी, नेक्स्ट प्लस वन की है. नाउ लाइक चार्जेस आर ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर. इसमें आपको क्या करना है, कोई भी लाइक चार्जेस मींस पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज बॉडी है कोई, सपोज बॉडी ए, और यहां पर कोई बॉडी बी ले लेते हो, वो भी पॉजिटिव ही लेनी है. इसी को बोलते हैं लाइक चार्जेस. ठीक है, एक जैसे चार्ज. आप इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव भी ले सकते हो. जो चार्ज आप ए का लोगे वही बॉडी बी पर चार्ज लोगे. तो अगर आप इनको एक जगह पर इकट्ठे रखेंगे, प्लेस करेंगे, गेट टुगेदर करेंगे, तो क्या होगा, ये दोनों आपस में रिपेल करेंगे. क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, वेदर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव. इसी तरह से अट्रैक्ट अनलाइक चार्जेस हो, तो सपोज एक बॉडी आपके पास पॉजिटिव है और एक बॉडी नेगेटिव है. इन दिस केस दीज चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, ये अट्रैक्ट करेंगे. तो जो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज की वो क्या है, उसमें क्या है कि लाइक चार्जेस हमेशा आपस में रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस आर ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर. नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी टू. प्रॉपर्टी टू क्या होता है, इसमें आप पढ़ सकते हो एडिटिव नेचर. शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं उनका जो नेचर होता है वो एडिटिव नेचर होता है. क्या होता है, एडिटिव नेचर. एडिटिव नेचर में क्या आएगा, कैसे एक्सप्लेन करोगे, इसके लिए आप कोई भी चार्ज ले लो. सपोज ये चार्ज ले लिया, इस चार्ज को क्यू, इलेक्ट्रिक चार्ज को हमेशा क्यू से डिनोट करते हैं, और इसके ऐसा यूनिट क्या होते हैं, कूलम. ये चीज आप नोट कर लो, कूलम को सी से लिखा जाता है. तो एक चार्ज ले लिया आपने, सपोज ये इसकी वैल्यू है प्लस थ्री कूलम. कितनी है, प्लस थ्री कूलम. कोई और दूसरा चार्ज लिया आपने, सपोज इसकी वैल्यू आ गई आपके पास, दे रखी है माइनस टेन कूलम. कोई थर्ड चार्ज ले लिया आपने, इसकी वैल्यू है माइनस टू कूलम. इस तरह से देयर आर थ्री चार्जेस, क्यू वन क्यू टू एंड क्यू थ्री,
और ये आपने तीनों चार्जेस, कोई पॉजिटिव है तो कोई नेगेटिव है, इनको क्या करा आपने, इकट्ठा रख दिया, एक जगह पर इकट्ठा कर दिया। ये अट्रैक्ट भी करेंगे, रिपेल भी करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। लेकिन आपने सपोज ये बॉक्स में डाल दिया किसी ने, इंसुलेटेड बॉक्स में, तो अब इसके ऊपर खुद ब खुद एक चार्ज एक्वायर हो जाएगा, ना ये पॉजिटिव की तरह काम करेगा फिलहाल, ना नेगेटिव की तरह। ये डिसाइड करेगा कौन सा नेचर इसका, एडिटिव नेचर। कौन सा नेचर? एडिटिव नेचर। इस एडिटिव नेचर के अकॉर्डिंग एक फार्मूला आपको मिलने वाला है, जिसको आप लिखोगे Q इज इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री प्लस जितने मर्जी चार्ज दे रखे हो, सबके सब आपको क्या करना है, ऐड कर देने। सबके सब क्या कर देने, ऐड कर देने। इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, इस बॉडी के ऊपर जितना भी चार्ज आ जाएगा वो कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहां से देखिए, Q इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1 प्लस 3 कूलम प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q2 माइनस 10 कूलम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q3 माइनस 2 कूलम। देखो मैंने तो ऐड का निशान लगा दिया था, बट कोई अगर नेगेटिव है तो वो क्या होगा, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी 3 कूलम माइनस 10 कूलम माइनस 2 कूलम, एंड यू विल गेट द आंसर 3 कूलम माइनस 12 कूलम एंड द आंसर विल बी माइनस 9 कूलम। तो ये बॉडी नेगेटिव चार्ज की तरह एक्ट करेगी, नेगेटिव बॉडी की तरह एक्ट करेगी, नेगेटिव चार्ज बॉडी बन जाएगी, एक्ट एज अ नेगेटिव चार्ज बॉडी, और टोटल चार्ज कितना होगा इस पे, 9 कूलम। दिस विल बी योर आंसर। तो एडिटिव नेचर आई होप आप समझ गए होंगे, एडिटिव नेचर को लेके कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जितने भी चार्ज है आपको उसको क्या कर देना है, ऐड कर देना। इसके बाद प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे आप, प्रॉपर्टी थर्ड में क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्जेस आर कंजर्व, चार्ज कंजर्व होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे होते हैं, कंजर्व। सिर्फ कंजर्व वर्ड याद रखो, उसके बाद सब कुछ। कंजर्व का मतलब है टोटल चार्ज हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है। टोटल चार्ज किसी सिस्टम में कह लो या होल कह लो, ठीक है, टोटल चार्ज इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। मतलब इसको ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, मतलब नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट दे कैन बी but can be transferred। लेकिन इनको ट्रांसफर किया जा सकता है वन बॉडी टू अनादर, एक बॉडी से दूसरी बॉडी। ये दोनों बातें याद रखनी है आपको, neither created nor destroyed and can be transferred one body to another। और ये बात आप पढ़ चुके हो, कल मैंने आपको बताई थी। सपोज ये कोई बॉडी है ए, यूनो थॉमसन ने बताया था ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की नंबरिंग इसमें क्या होती है, सेम होती है। तो आप इसमें से कर क्या सकते हो, इलेक्ट्रॉन को लूज करवा सकते हो,
देखो चार्ज को लूज करवा दिया और कोई दूसरी बॉडी है वो क्या कर सकती है, वो गेन कर सकती है। या तो कोई बॉडी लूज करेगी या कोई बॉडी गेन करेगी, ठीक है। यही होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जिसमें आपने क्या पढ़ा कि चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? सिर्फ ट्रांसफर, ना तो इनको क्रिएट किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आप बना नहीं सकते, सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हो। एंड यू नो वेरी वेल, जब बॉडी ए से इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। कौन सा चार्ज आ जाता है इस पे? पॉजिटिव। और इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? तो ये था आपके थर्ड प्रॉपर्टी। आफ्टर थर्ड प्रॉपर्टी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फोर इज चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। चार्ज कैसे होते हैं? क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या? क्वांटिटी होती है इनकी, मतलब अमाउंट होती है। एक बॉडी पर देखो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन लूज करे, दो करे, दस करे, बीस करे, चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव। लेकिन तीनों केसेस में वैल्यू क्या आएंगी उनकी? वैल्यूज का मतलब अमाउंट, मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो सबका अलग अलग होगा। तो चार्ज को कैलकुलेट करना, कितना चार्ज है किसी बॉडी पे, हाउ मच चार्ज एक्वायर्ड एन ऑब्जेक्ट इफ इलेक्ट्रॉन्स आर लूजिंग और गेन। अगर इलेक्ट्रॉन लूज और गेन हो रहे हैं तो उस पर कितना चार्ज आ जाएगा वो आपको कैलकुलेट करना, ठीक है। तो कैसे करोगे इसको? एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाता है तो कितना चार्ज आ जाता है? एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है पता है आपको? वन इलेक्ट्रॉन एक्वायर 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। इसमें एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम्ब। अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी में से निकल जाए, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसके पास एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इस पे चार्ज आ जाएगा। फार्मूला Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एम। ये फार्मूला आप अप्लाई करोगे, ठीक है। पहले भी करा था ये आपने, प्लस माइनस एन की वैल्यू, वन इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, वन इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर। ये आपको ख्याल रखना है, ये माइनस में लेना है। और दूसरी बात, लूज हो रहा है या गेन हो रहा है ये आपको देखना है। यहां पर लूज की कंडीशन है, किसकी कंडीशन है? लूज की। तो लूज होने पर आंसर कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव। तो आप ये माइनस माइनस प्लस करके यहां पर प्लस लगाएंगे और वन इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना चार्ज आ जाएगा, तो उस बॉडी के ऊपर चार्ज होगा प्लस 1.6 into 10 raised to the power -19 कूलम। तो ये चार प्रॉपर्टी है और चारों ही चारों बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट। इसको लेकर क्वेश्चन बन जाता है, इसको लेकर भी बन जाता है, ट्रांसफर करके दिखाने पड़ जाते हैं, ठीक है। एडिटिव नेचर के ऊपर भी बनता है क्वेश्चन। चार पांच चार्ज दे देते हैं अलग अलग वैल्यूज के। सपोज आपको कह दिया कि एक चार्ज है जिसकी वैल्यू -10 कूलम है, एक की -2 कूलम है, एक की +3 कूलम है, एक की +1 कूलम है और एक चार्ज है -5 कूलम। इन पांच चार्जेस आपको दे दिए, चार्ज बॉडी दे दी है जिनकी वैल्यू आपके सामने है। अगर आप इनको इकट्ठा कर देंगे तो इन पांचों को इकट्ठा करने के बाद
उस बॉडी पर कौन सा मतलब नेचर और मैग्नीट्यूड दोनों निकालने आपको, नेचर एंड मैग्नीट्यूड, क्वांटिटी कह सकते हो आप चार्ज की कितनी हो। तो नेचर क्या होगा करके देखिए इसको, 10 2 एंड 5 17, माइनस 17 और ये प्लस 4, तो आपका आंसर आएगा माइनस 13 कूलम। नेगेटिव चार्ज बॉडी बन जाएगी वो, और 13 कूलम उसके ऊपर चार्ज हो जाएगा। ठीक है, एनी डाउट एनी प्रॉब्लम? चलो अब कुछ छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, जो देखो कोई इसके फार्मूले ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल फार्मूले है, लेकिन फिर भी गलती हो जाती है। सिर्फ एक दो छोटी छोटी चीजें है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। यूनिट से पहले कुछ प्रीफिक्स लग जाते हैं, उनकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज आपके आंसर गलत आ जाते हैं, फिर सॉल्व ही नहीं होते। सपोज जैसे मिली, स्मॉल एम से लिखते हैं इसको, और इसकी वैल्यू होती है 10^-3। सेकंड माइक्रो, माइक्रो म्यू से लिखा जाता है इसको, आई रिपीट माइक्रो म्यू, एम और यू का साउंड आएगा इसमें म्यू, इसकी वैल्यू होगी 10^-6। कई बार लिख देते हैं माइक्रोन, इसका मतलब होता है डबल म्यू, दो बार म्यू लिखा हुआ आ जाता है, इसकी वैल्यू होगी 10^-12। कई बार आ जाता है लिखा हुआ नैनो, स्मॉल एन लिखा होगा, इसकी वैल्यू होगी 10^-9। अब मैं एग्जांपल देखता हूं, क्यू की वैल्यू 300 मिली कूलम ऐसे गिवन, तो आप इस स्मॉल एम को मीटर नहीं पढ़ना है, ये मिली होगा, सी से पहले लगा हुआ है तो मिली बोलेंगे आप इसको, और आपका फर्ज बनता है कि आप इसको हटाकर 10^-3 को लिखें। इसी तरह से अगर आपको 10 नैनो कूलम दे दिया जाए तो आप यहां पर 10^-9 कूलम लिखेंगे। इसी तरह से अगर आपको 20 माइक्रो माइक्रो कूलम दे दिया जाए तो माइक्रोन बोलते हैं, तो आप इसकी वैल्यू को 20 × 10^-6 × 10^-6 कूलम। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई हो। ये जो प्रीफिक्स है ये किसी भी यूनिट से पहले आपको लगाकर दिए जा सकते हैं, मिलेंगे आपको इसी तरह से मिलेंगे, और जब भी आप कोई फार्मूला अप्लाई करोगे, फार्मूले ज्यादा लंबे चौड़े नहीं है इसके, छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं, और उसके आगे प्रीफिक्स आपको लगाकर देते हैं ज्यादातर, क्योंकि कूलम की जो वैल्यू होती है 1 कूलम बहुत ज्यादा चार्ज होता है, कई चीजें थोड़ी सी ही बहुत होती है। जैसे आप मीटर किलोमीटर पढ़ते हो, उसमें क्या पढ़ते हो, मीटर किलोमीटर कोई ज्यादा लंबी क्वांटिटी नहीं है, ज्यादा बड़ी क्वांटिटी नहीं है, लेकिन अगर इसी चीज को डिस्टेंस की जगह पर, मीटर किलोमीटर की जगह पर अगर आप लाइट ईयर लेकर चलो, पार्सेक लेके चलो, तो वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाते हैं, जिसको आप पार्सेक और लाइट ईयर में लेते हो। ऐसे ही 1 कूलम बहुत ज्यादा चार्ज होता है, तो कूलम में आपको चार्ज की वैल्यू नहीं मिलती है, कम देते हैं, कभी मिली में, कभी माइक्रो में, कभी नैनो में, इस तरह से देंगे।
किसी को कुछ पूछना है? जितेंद्र सर, जितेंद्र